तो आज जो है हवेली नाम है ना, हवेली, ये देखिए जी, हवेली ये भी हाईवे के ऊपर है और पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे हवेली के ऊपर। बहुत ही बड़ा सेटअप है और हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं तो खाली हमें मिलता है। ऑप्शन ये थी कि आप ऊपर आके बैठें या नीचे, तो हमने कहा आज जरा ऊपर जाके ट्राई करते हैं। तो ये जगह जो है बेसिकली ये ऊपर का सेटअप है यहाँ पे, और मेन्यू बेगम साहबा देख रही हैं, लेकिन ये कि यहाँ से अगर आप देखें नीचे का मंज़र तो सारा का सारा बहुत बड़े बड़े सेटअप वही जो आजकल चल रहे हैं। ओपन स्पेस है बिल्कुल ही, ओपन खुली भी जगह है सारी की सारी, और वही हमारी फेवरेट होती है। तलाश करते हैं पहले कि कोई अपनी जगह मिले। सामने फाउंटेन वगैरह बह रहा है, आपको मैं लीजिए एक ट्रिप ले आके देता हूँ ज़रा सा। लेकिन ये ऊपर का थोड़ा सा सेटअप जो है इनका वो भी अच्छा है, खामोश है, तो देखते हैं कि सिचुएशन कैसी रहती है खाने वगैरह की। और यहाँ से अगर आप तो देखें तो सामने भी पूरा एक ऊपर सेटअप बना हुआ है और जीने जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि दोनों तरफ जीने बने हुए थे जिससे जनाब चढ़ के हम ऊपर आए हैं। तो ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं लेकिन अभी बहुत कम है। कहते हैं कि अभी तकरीबन 8 के करीब हुए हैं शाम, और शाम के वीकडे है और आज थोड़ा सा ख़ास दिन भी है क्योंकि हमारी बेगम साहबा की आज बर्थडे भी है, तो वो भी मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे और जल्दी आ गए हैं। जॉब से वापस आने के बाद इनकी यहाँ पहुँच गए। अब बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या हालात है। मैं आपको नीचे आके थोड़ा सा दिखाता हूँ जगह और भी अच्छी। तो जी मेन्यू जो है यहाँ लगता है कि हर रेस्टोरेंट जो है काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें ऑफर कर देते हैं हर तरफ ही। कोई इनकी स्पेशलिटी इस हवेली पे आए हुए हैं तो इनकी नहीं नज़र आ रही कि इन्होंने यहाँ पे चाइनीज़ भी डाल दिया है, तो तकरीबन वही नाम चाइनीज़ के जो नज़र आ रहे हैं और तकरीबन वही सारी कीमतें भी जो हैं वो भी उसी तरह से चल रही होती हैं। मतलब चाइनीज़ के नाम है लेकिन पाव वगैरह, लेकिन ये कि सारे वही चाइनीज़ हैं, वही कीमतें हैं, वही स्टार्टर तकरीबन। और यहाँ पे उन्होंने चिकन और बीफ का स्टिक्स भी ऑफ़र कर दिए हैं, चलिए जी वो भी हो गया। और पास्ता उन्होंने दे दिया एक हवेली का, हवेली बस नाम लगा दिया उन्होंने, अल्फ्रेडो पास्ता ही है वही, और वो उसकी कीमत भी वही जो नॉर्मल चलती है यहाँ पे। बर्गर्स हैं और बर्गर्स की कीमतें हैं जनाब ये आपको नज़र आ रही हैं 699, मतलब 700 और 600। क्लब सैंडविच और हवेली सिग्नेचर बारबेक्यू भी है, बारबेक्यू में भी वही चिकन मलाई बोटी वगैरह वही 900-800 वगैरह की कीमतें चल रही हैं। कबाब्स हैं और रेशमी और टर्किश चुल्लू, ये टर्किश अरबिक एंड हुंजाई, तो ये जो है आपके तीन नाम नज़र आ रहे हैं ये, और उसके साथ जो है वो जनाब कीमतें जो हैं वो 900, मतलब 1000 से के आसपास की हैं। अफगानी भी है, कढ़ाई भी है, हांडी भी है और कटाकट भी है। और इधर जो हैं रोटियां वगैरह हैं और तंदूर बेवरेजेस हैं, हॉट बेवरेजेस हैं और मॉकटेल्स हैं। देखते हैं जी ये तो हो गया यहाँ का हिसाब किताब। अगर आप इसका कवर देखें तो ये जनाब शाहाना फेरिस्ते तवाम लिखा हुआ है, हवेली हाईवे मेन्यू, ऑल प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस वगैरह इसके अंदर टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया है तो इंक्लूसिव नहीं है। ये इनकी हाईवे की सुपर हाईवे नियर जमाली ब्रिज कराची की जनाब लोकेशन है। चलिए फूड देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। तो यहाँ से भी बड़ा, ये कोई पार्टी हो रही है यहाँ पे? अच्छा, बड़ा खूबसूरत, बड़ी खुशबू आ रही है। ये पूरा सेटअप यहाँ पे क्या खूबसूरत सेटअप है, वाह ज़बरदस्त स्मेल है। कोई बड़ी पार्टी आ रही है यहाँ पे, फंक्शन हो रहा है कोई? अच्छा, चलें जी, मैंने तो डिस्टर्ब करना नहीं है लोगों को, लेकिन बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। खूबसूरत मंज़र ऊपर से आपको सारी सीटिंग अरेंजमेंट दूर तक नज़र आ रही है, हर तरफ सीटें लोग नहीं है अभी फ़िलहाल। डेकोरेशन वगैरह है, ये तो खैर आपको पता ही है कि गांव तक की है और बैठने की जगहें बनी हुई होती हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे एक चीज़ और है, एक सेटअप उन्होंने इस तरह का भी बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें के पीछे उन्होंने सोफ़े दिए हैं कि आप सोफ़े पर बैठना चाहें तो सोफ़े पर बैठें, और ऊपर आगे से टेबल है और पूरी सामने आगे गांव तक के लगे हुए हैं, उस पर लोग बैठ सकते हैं वो बैठें ज़रूर।
अच्छा, बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है हवेली के लिहाज से। पुराने ज़माने की एक कैरिज, हॉर्स कैरिज भी यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है। इस पर सिंड्रेला शायद कभी आई होंगी यहाँ पे, तो वो खूबसूरत कैरिज है, उसका डिज़ाइन अच्छा दिया हुआ है। और सामने जो है वो वाटरफॉल, और वाटरफॉल में भी जो है एक सिंपल, और ये जो है बीच का मुझे बड़ा पसंद आ रहा है कि ये वाटरफॉल एक ऐसे है तो आर्टिफिशियल लेकिन लॉग है, ट्री की लॉग उसमें से जनाब ये पानी नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे पानी का मंजर अच्छा क्रिएट करते हैं ये लोग। उधर भी एक और भी सिंड्रेला की वो कैरिज खड़ी हुई सामने, और कुछ हमारे नवाब वगैरह का जो उनके खादिम वगैरह होते हैं सामने, आपको शायद बैठे हुए नज़र भी आ रहे हो, तो वो भी चल रहा है, काफ़ी आवाज़ कर रहा है ये तो। छन छन छना छन, ये आपकी स्टेक है और इसका तो उन्होंने काफ़ी वो हो, हाँ नहीं हाथ लकड़ी है नीचे, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है जी आपकी। और वेजिटेबल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं, ये तो आपकी कैरिज, हाँ अच्छा लगा, ये तो एवोकाडो है क्या? एवोकाडो ही लग रहा है मुझे तो, या कुछ और है। और कैरेट्स तो हैं, और एक तरफ फ्राइज दी हुई हैं, ऑनियंस दी हुई नीचे, और बड़ी अच्छी, मुझे तो देख देख के खुशी हो रही है, क्या ख्याल है आपका? और दूसरी तरफ खोलने की है आपके ख्याल में जो है वो टेस्ट, मतलब जो प्रेजेंटेशन के लिहाज से अच्छी है। सुना ये गया ना जो आप रिकमेंडेशन पे आए ना हम लोग यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या है, लेकिन ये कि अभी तक तो प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, और आवाज़ तो नहीं सुन सकेंगे लेकिन काफ़ी आवाज़ निकल रही सिजलिंग। और साथ में हमारे जो है वो हमने कुछ गार्लिक चिकन मंगाया था विद राइस, तो देखें वो कैसा है, उसकी भी प्रेजेंटेशन तो अच्छी है। देखें जी अगर आप इसको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा यूँ करके, तो शक्ल भी बनाई हुई है उसके ऊपर तो उन्होंने डेकोरेशन के लिहाज से, और अच्छी पैक हुआ हुआ है, और इसके अंदर कागज़ के नीचे इन्होंने राइस रखे हुए हैं, और ये गार्लिक चिकन है, और देखते हैं इसको भी खोल के इसकी हालत क्या, लेकिन मुझे तो इसी के ऊपर बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के, ये क्या ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन जनाब उन्होंने, मुझे तो हवेली क्लास अच्छी लगी भाई। अब सॉस कैसी कैसी नहीं देखते हैं, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। ओके जी, ये पहली दफ़ा देखा कि चावल जो हैं तो हल में फ्राइड राइस हैं, एग फ्राइड राइस, तो उन्होंने एग को ये सामने आपको सब नज़र आ रहा है, ये एग है, इसके अंदर फ्राइड राइस है जनाब, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, तो अच्छी है प्रेजेंटेशन चिकन की भी, लेकिन वो जो बात है वो तो भी क्या खूबी चीज़ है। देखिए जी चलिए बताते हैं खाना कैसा, थोड़े थोड़े से मंजर हैं, अभी हमने इसको रैपर को खोला है, चिकन का जो अराउंड था तो अंदर से ये राइस अंदर से निकले हैं, जो कि हमने निकाल के प्लेट में रखे हैं सारे में चिकन भी, तो ये जो है दिखाइए ज़रा क्या उठा के दिखाएँ कैसा है, ये पूरा चिकन का स्टेक है बेसिकली, हमने क्या नाम है इसका, हवेली, मैं दिखाता हूँ आपको कि नाम क्या है इसका, ये जो हाँ जी, तो हवेली फायर चिकन जो ऊपर आपको नज़र आ रही है सबसे टॉप पे, वो हमने ऑर्डर किए, और फिर नीचे जो है क्या नाम है इसका, कहाँ गया, सॉरी चाइनीज़, वो इधर है, तो चाइनीज़ से हमने चिकन गार्लिक वाइट विद राइस ऑर्डर किए हैं, ये इसकी कीमत है। अब देखें जी आपको आगे खबर देते हैं एक सेकंड के अंदर। तो ये एक पीस निकाला है स्टेक का, चिकन का, बड़ा खूबसूरत, कैसी सॉस है, सॉस क्रीमी, मतलब स्पाइसी भी है, जो उन्होंने लिखा है कि फायर है तो इस बाकी बहुत सारे स्पाइसी है, अच्छा तो अभी ये है, अभी प्रेजेंटेशन अभी भी अच्छी चल रही है, वेजिटेबल्स भी अच्छी लग रही है, फ्राइज भी, चलिए दिखाते हैं आगे आप। अच्छा जी ये है वो मोमेंट कि बिल जो आया है, तो टोटल जो अगर फोकस हो जाए बता दिए वो दे देंगे अभी दोबारा से, तो 3,362 का बिल है, इसमें चिकन गार्लिक दूध पत्ती स्मॉल वाटर हैवीली फायर चिकन और मिंट लेमोनेड, तो ये है इसके अंदर SST यहाँ पे कोई चीज़ खिलाती है जो कि गवर्नमेंट की जाती है, तो 387 रुपीज़ उसके और टोटल मिला के, तो अब हमारे पास कार्ड है सैफ्रॉन का, देखते हैं उससे क्या सिचुएशन बनती है, तो बताते हैं आपको।
अच्छा जी, तो जो डिस्काउंट कार्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमें जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला है डिस्काउंट का, क्योंकि 3500 के करीब थे, अब डिस्काउंट होने के बाद ये 2172 रह गए हैं, तो वो हमने पे किए हैं, तो हल में ठीक ठाक ही हो गया है डिस्काउंट 40% डिस्काउंट आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 1190 रुपये का डिस्काउंट 40% मिला, जिसके बाद ये पक्के अमाउंट है। तो ये थी हमारी दास्तान, फूड अच्छा था, लेके भी जा रहे हैं और सारा, मैं तो अपना सारा खा गया और तुम जो है वो अपने साथ छोड़ दिए स्पाइसी, तो उसने बता दिया था स्पाइसी पहले से है स्पाइसी, तो नई खबर तो नहीं आई ना, लेकिन ये कि अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, इन्वायरमेंट भी अच्छी है, खामोशी है, हवा चल रही है बाहर की और एम्बियंस अच्छा है, हाँ पीसफुल इन्वायरमेंट है, पीछे हाईवे है, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन शोर इतना नहीं आ रहा है, और हमें जो वेटर मिला बहुत ज़्यादा अटेंटिव, उसने ऐसी चीज़ें बना के हमें दी हैं जो नहीं, फीडबैक के अलावा उसने वो चीज़ हमें बना के दी जो कि मेन्यू पे कहीं अवेलेबल ही नहीं थी, हमें मिंट का ड्रिंक बना के दिया पानी के अंदर जो कि कहीं मेन्यू में अवेलेबल नहीं था, चाय भी जो गुड़ की नहीं थी अवेलेबल वो उसने बना के दी हमें, तो इस तरह से टिक केयर तो बहुत की है, कस्टमाइज चीज़ें की जो कि मेन्यू पे वो मुश्किल होती है रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ पे की। तो ये है जनाब हवेली जो आपको बाहर से नज़र आ रही है, और बराबर में जो है वो कबाब जी, ये है हवेली जो कि ये सामने आपको अम्बियंस नज़र आ रही है। चलिए जी, ये तो आज की दास्तान थी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़। अगर आपको बातें पसंद आ रही हैं, लग रहा है कि हम आपको कुछ नई चीज़ दिखा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर अगली मिलाओ वीडियो में फिर मुलाकात होती है।